नमस्कार, आज के इस ई कंटेंट में आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत आदिम अर्थव्यवस्था में, आदिम समाजों में आर्थिक व्यवस्था की कार्य प्रणालियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आदिम समाजों की आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए उनकी अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझना अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक कार्य प्रणाली के प्रमुख तत्व उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, श्रम विभाजन आदि है। बच्चों, अगर गहराई से देखा जाए तो ये अपने आप में एक प्रकार से प्रणालय भी है। आधुनिक समाजों की तुलना में इनका रूप सरल तथा न्यून विकसित अवस्था में होता है। भोजन, वस्त्र और आवास से संबंधित उत्पादन और उपभोग तो प्रत्येक मानव समाज में किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। वितरण और विनिमय इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उत्पादन आवश्यकता की पूर्ति से अधिक होता है अथवा नहीं, और उत्पादन आवश्यकता से जितना अधिक होगा, विनिमय भी उसी के अनुसार बढ़ जाएगा। आर्थिक व्यवस्था से संबंधित और भी अनेक छोटी बड़ी प्रणालियां एवं पक्ष है जो समाज के विकास, प्राकृतिक संसाधन, उनका दोहन, तकनीकी ज्ञान, जनसंख्या तथा उसका घनत्व आदि पर निर्भर करता है। और ये प्रणालियां तथा पक्ष श्रम विभाजन, पुरस्कार, उपहार, बाजार, संपत्ति, मुद्रा, ऋण, पूंजी आदि है। अब हम आदिम समाज की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पक्षों तथा प्रणालियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें आर्थिकी को और अधिक गहराई से समझा जाएगा। सबसे पहला बिंदु है श्रम विभाजन, इट मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर। बच्चों, श्रम विभाजन एक सार्वभौमिक तथ्य है। जहां जहां मानव समाज है वहां वहां पर श्रम विभाजन किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। समाज चाहे आदिम हो अथवा आधुनिक, बिना श्रम विभाजन के सामाजिक एकता तथा आर्थिक क्रियाएं संपन्न नहीं हो सकती है। आदिम समाज में श्रम विभाजन के द्वारा सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। आदिम समाज आकार में छोटे होते हैं, इनका तकनीकी स्तर निम्न होता है, आवश्यकताएं सीमित होती है, साधन भी सीमित होते हैं। इसलिए इन समाजों में श्रम का विभाजन लिंग भेद, आयु भेद तथा शारीरिक क्षमता पर आधारित होता है। बच्चों, उत्पादन का कार्य ऐसा है जो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके लिए अन्य व्यक्तियों का सहयोग लेना आवश्यक होता है। उत्पादन के कार्यों अथवा परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के कार्यों को अलग अलग व्यक्तियों में विभाजित करना होता है। सब अपना अपना कार्य करते हैं, उससे सभी को निश्चित आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती है। कार्यों को विभिन्न व्यक्तियों में बांटने को ही श्रम का विभाजन कहते हैं। बच्चों, परिवार तथा समाज में पुरुष और स्त्री की कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। जैविक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्त्रियां ऋतुस्राव, गर्भावस्था तथा शिशु जन्म के समय शारीरिक दृष्टि से अनेक कामों को करने में सक्षम नहीं होती है, उनकी कुछ सीमाएं होती है। इन शारीरिक लक्षणों के कारण जनजातियों में स्त्री से अनेक कार्य नहीं करवाए जाते हैं। टोडा जनजाति में स्त्री भैंसों को नहीं चू सकती है, उसका दुग्धशाला में जाना निषेध है। बच्चों, वैसे तो टोडावासी स्त्री को बहुत प्यार करते हैं, सदव्यवहार करते हैं तथा उचित सम्मान भी करते हैं।
यहाँ पर कुछ मानव शास्त्रियों का मत है कि जनजातियों में अंधविश्वास बहुत अधिक है। इनके अनुसार पुरुष अपने आदिवासी समाज की स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। ये लोग स्त्री के ऋतुस्राव तथा संतानोत्पत्ति के प्राकृतिक लक्षण को नहीं समझ पाए। आदिवासी इसे स्त्री में छिपा जादू मानते हैं। इसके कारण स्त्रियों की सभी सार्वजनिक कार्यों, समाज कल्याण कार्यों आदि से पृथक रखने लगे। धीरे धीरे आदिम समाज में स्त्रियों पर ये अनेक निषेध तथा प्रतिबंध लगाते चले गए। प्रारंभ में तो स्त्रियां ऋतुस्राव तथा गर्भावस्था में कार्य नहीं कर सकती थी। बाद में स्त्रियों को अनेक उत्सवों, त्योहारों, आर्थिक कार्यों, पर्वों आदि की क्रियाओं से वंचित कर दिया गया। और बच्चों, ऐसे प्रमाण तो नहीं है कि ये निषेध स्त्री में जादू के विद्यमान होने के कारण लगाए गए हैं, परंतु शिकार तथा मछली पकड़ने का कार्य प्रधानतः सभी जनजातियों में पुरुष ही करते हैं। ऐसे अपवाद मिलते हैं जहां स्त्रियों भी शिकार करती है। भारत में औद्योगिकरण तेजी से हो रहा है, इसका प्रभाव भारत की जनजातियों पर भी खूब पड़ा है। इस प्रक्रिया के द्वारा आदिवासी स्त्री पुरुष दोनों प्रभावित हुए हैं। जनजातीय क्षेत्रों में लोहे एवं इस्पात के कारखाने स्थापित हुए हैं, कोयले की खानों में काम बढ़ा है, चाय के बागानों में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी। इस सब की पूर्ति पुरुषों ने लोहे तथा इस्पात के औद्योगिक प्रतिष्ठानों, कोयले की खानों तथा चाय बागानों में जाकर मजदूरी करके पूरी की है। स्त्रियों ने भी चाय बागानों, कोयला तथा अबरक के खानों में काम करके श्रमिकों के समान काम करना प्रारंभ किया है। दूसरा बिंदु है श्रम के बदले पुरस्कार या भुगतान। बच्चों, आधुनिक तथा आदिम समाजों में श्रम के बदले भुगतान में विशेष अंतर मिलता है। आधुनिक या नगरीय समाजों में श्रम के बदले नगद भुगतान किया जाता है, लेकिन आदिम समाजों में भुगतान सेवा अथवा श्रम के बदले पुरस्कार, भोजन, सांस्कृतिक भेंट या सेवा के बदले सेवा के रूप में भुगतान किया जाता है। आदिम समाज में सेवा के बदले भुगतान में कोई भाव तोल नहीं किया जाता। इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है कि कार्य कितना किया गया है, उसका समय कितना लगा है, कार्य करने वाला निपुण कारीगर था अथवा नहीं। मानव अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र और आवास के लिए तो कार्य करता ही है, इसके अतिरिक्त के कार्य करने के और उद्देश्य होते हैं। व्यक्ति सम्मान प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। समुदाय में, विभिन्न संगठनों में ऊंचा स्थान या ख्याति प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति श्रम करता है। बच्चों, यहाँ पर R.W. फर्थ ने टीकोपिया समाज का अध्ययन किया। उन्होंने वहाँ एक पावन नाव के निर्माण का अवलोकन किया। आपने देखा कि अनेक व्यक्तियों ने मिलकर नाव बनाई। नाव बन चुकने के बाद शासक ने सभी व्यक्तियों को उपहार में एक एक टोकरी भोजन दिया। शासक के निकट संबंधियों ने भी नाव बनाने में काम किया। नाव के निर्माण में अनेक कार्य किए गए। जिसने नाव पर नक्काशी की थी उसे पेड़ की छाल दी गई और पेड़ काटने वाले तथा छेद करने वाले को उपहार में भोजन दिया गया। पेड़ को तट पर लाने वाले को नारियल तथा फल दिए गए। विभिन्न लोगों को कुछ न कुछ उपहार दिए गए। इस प्रकार यहाँ पर फर्त का मत है कि नाव के निर्माण में लोग विभिन्न कारणों से सहायता करते हैं। बंधुत्व तथा पड़ोस के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए सहायता करते हैं और शासक को खुश करने, उसकी इच्छा पूर्ण करने व शासक का सम्मान करने के लिए सहायता करते हैं। नाव मछली मारक अभियान के लिए बनाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति उस अभियान में सहायता प्राप्त करने के लिए नाव निर्माण में सहयोग करता है। और फर्द का ये कहना है कि व्यक्ति कर्तव्य पूरा करता है और उसे आत्म संतोष भी मिलता है।
तीसरा बिंदु है उत्पादन, इट मीन्स प्रोडक्शन। बच्चों, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से आदिम आरती की कई क्रियाएं उत्पादन के अंतर्गत न आकर संकलन के अंतर्गत आती है, जैसे वनों, पर्वतों आदि से मधु, शाक, फल, कंदमूल आदि एकत्र करना तथा शिकार एवं मछली मारकर भोजन एकत्र करना। कुछ मानव शास्त्रियों पशुपालन के द्वारा भोजन प्राप्त करने को उत्पादन और संकलन के बीच की अवस्था मानते हैं। उत्पादन के अंतर्गत खेती, दस्तकारी, शिल्प उद्योग, रस्सी बनाना, चटाई बनाना, टोकरी बनाना आदि आते हैं। जैसा कि मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, फर्थ आदि ने जनजातियों के अध्ययन में पाया है कि आदिम समाजों में उत्पादन का कार्य पूर्ण समुदाय के प्रति कर्तव्य को पूर्ण करना होता है और उत्पादन के कार्य में केवल एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता है, बल्कि उत्पादन के कार्य में व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय तीनों इकाइयां मिलकर सहयोग करते हैं। और इतना ही नहीं, उत्पादन के कार्य में सामूहिक बोध दिया जाता है। मेलिनोवस्की ने देखा था कि ट्रोबियन जनजातियां जब गहरे समुद्र में मछली पकड़ने जाती है तो उससे पूर्व सामुदायिक स्तर पर पूजा पाठ किया जाता है। जनजातियों में उत्पादन के कार्य के साथ धार्मिक कृत्य, संस्कार, पूजा पाठ, सफेद जादू आदि जुड़े हुए हैं। आदिम आदिवासी मानते हैं कि अधिक उत्पादन जीवन रक्षा, नौकायन अभियान में आदि के लिए जादू टोना तथा धार्मिक संस्कार आवश्यक हैं। इस प्रकार बच्चों, मेलिनोवस्की ने ट्रोबियंड द्वीप के आदिवासियों के अध्ययन के आधार पर बताया कि नाव निर्माण के लिए मुखिया कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की व्यवस्था करता है। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से यह मुखिया एक प्रकार से आदिम उद्यमी है। यह मुखिया एक उद्यमी के सारे कार्य करता है, जैसे नाव बनवाना या मरम्मत करवाना, नौकायन के लिए सहकर्मियों को तैयार करना, अभियान का नेतृत्व करना, भोजन की व्यवस्था करना, मछली पकड़ने के लिए निर्देश देता, मछलियों का बंटवारा करना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। चौथा बिंदु है वितरण, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, आर्थिक व्यवस्था में जितना महत्वपूर्ण उत्पादन है उतना ही महत्वपूर्ण उत्पादन का वितरण है। जब उत्पादन की प्रक्रिया में एक से अधिक व्यक्ति या इकाइयां भाग लेती है तब उत्पादन के वितरण का प्रश्न उठता है। जिस जिसने उत्पादन की प्रक्रिया में भाग लिया है वे सब उत्पादन के हिस्सेदार होते हैं। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से वितरण से अर्थ उस हिस्से से है जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग करने वालों या हाथ बटाने वालों को प्राप्त होता है, और जिस जिसने उत्पादन के कार्य में काम किया है उन्हें वितरण की प्रणाली द्वारा उत्पादित वस्तु का उतना हिस्सा मिलना चाहिए जितना जिसने उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग किया है अथवा कार्य किया है। बच्चों, आदिम समाजों में उत्पादन शिकार, मछली, कंदमूल फल, सागपात या मकान निर्माण, चटाई, टोकरी, रस्सी, कपड़ा, लोहे या लकड़ी का सामान आदि होते हैं। आदिम समाजों में वितरण की वस्तुएं भी यही होती है जो कि सामूहिक रूप से की जाती है अथवा निर्मित की जाती है। पांचवा बिंदु है उपभोग। बच्चों, आदिम समाजों में उत्पादन बहुत कम होता है, इसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति वस्तु का वितरण भी सीमित होता है। आदिवासियों में जीवित रहना एक संघर्षपूर्ण समस्या है, इसलिए वहां पर प्रति व्यक्ति खाद्य पदार्थ तथा अन्य वस्तुओं के उपभोग की मात्रा औसतन बहुत कम होती है। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से इनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न स्तर का होता है। विभिन्न व्यक्तियों में उपभोग की मात्रा का अंतर भी बहुत कम होता है। खाद्य पदार्थ तथा अन्य वस्तुओं के उपभोग की मात्रा सामाजिक परिस्थिति के अनुसार अधिक प्रभावित होती है। आर्थिक स्थिति का प्रभाव कम देखने में मिलता है। जनजातियों में मुखिया, जादूगर तथा
धार्मिक पुरोहित की स्थिति जनसाधारण से ऊंची होती है। ये लोग सामान्य लोगों की तुलना में कुछ वस्तुओं का अधिक उपभोग कर पाते हैं। इनकी वेशभूषा सामान्य आदिवासी से अच्छी होती है। इनका आवास अच्छा होता है। शिकार में इन्हें विशिष्ट अंग प्राप्त करने का अधिकार होता है। जनसाधारण समय समय पर मुखिया, जादूगर या पुरोहित को विभिन्न अवसरों पर उपहार, भेंट या नजराना देते रहते हैं। इससे इनको कई वस्तुएं प्राप्त हो जाती है जिनका ये उपभोग करते हैं। इस प्रकार आदिम समाजों में कुछ लोग समाज में अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं और वस्तुओं का कुछ अधिक ही उपभोग भी करते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से जनसाधारण और प्रतिष्ठित व्यक्ति में अंतर बहुत कम होता है। नगरीय अथवा महानगरीय आधुनिक समाजों में यह अंतर बहुत अधिक मिलता है। सामान्यतया आदिम समाजों में उपभोग आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित रहता है। छठा बिंदु है उपहार, अतिथि सत्कार, व्यापार एवं विनिमय। बच्चों, उपहार देने और लेने की प्रथा सार्वभौमिक है, अर्थात जहां जहां मानव समाज है वहां वहां पर उपहार की प्रथा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रचलित है। आदिम समाजों में उपहार का आधार सामाजिक अधिक है, जबकि आधुनिक समाजों में आर्थिक आधार अधिक है। सामान्यतया उपहार सभी प्रकार के समाजों जैसे आदिम, ग्रामीण तथा महानगरीय समाज में जन्म, विवाह, मृत्यु आदि के अवसरों पर दिए जाते हैं। आदिम समाजों में उपहार को प्रथा वस्तुओं के आदान प्रदान करने का एक सामाजिक तरीका है, जिसके द्वारा संबंधों को घनिष्ठ बनाया जाता है। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपहार आर्थिक कर्तव्यों को पूर्ण करने की प्रथा भी है। और प्रोविएंट द्वीप में भाई बहन को खाद्य पदार्थ उपहार में देता है। एक होपी परिवार दूसरे परिवार को खाद्य पदार्थ उपहार में देता है। एक प्रकार से यह पारस्परिक आर्थिक सहायता भी होती है। पश्चिमी अफ्रीका में लड़कियां लड़कों से कोई उपहार स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि उपहार स्वीकार करने का अर्थ है उस लड़के लड़की के विवाह के संबंध में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसके पश्चात अब हम उपहार में पारस्परिकता का सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिडिंगटन आदिम समाज में उपहार में पारस्परिकता का अवलोकन करते हैं। आपका मत है कि जब कोई व्यक्ति उपहार में कुछ पाता है तब हो जाता है कि वह भी उपहार देने वाले के लिए कुछ करे तथा उपहार का किसी न किसी रूप में मूल्य चुकाए। बच्चों, उपहार देने वालों को उतनी ही वस्तु अथवा सेवा अवसर आने पर लौटाएं। पिडिंगटन की धारणा है कि उपहार लेने वाले और देने वाले में परस्पर स्नेह, घनिष्ठता तथा कर्तव्य बोध होता है। पिडिंगटन ने इसको पारस्परिकता का सिद्धांत कहा है। बच्चों, जनजातियों में विवाह के अवसर पर उपहार दिए जाते हैं। इस उपहार के द्वारा अनेक कर्तव्य और अधिकार विकसित होते हैं। इसको लाबोला प्रथा के द्वारा समझा जा सकता है। वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को जो भेंट या उपहार दिए जाते हैं उसे लाबोला कहते हैं। भेंट में पशु, कंबल आदि दिए जाते हैं। अगर वर पक्ष वाले स्वयं लाबोला अर्थात भेंट की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो अन्य निकट संबंधी इसकी व्यवस्था करने में मदद करते हैं, और वधु पक्ष वाले जो कुछ लाबोला में प्राप्त करते हैं उस समस्त भेंट को अपने पास नहीं रखते हैं बल्कि अपने संबंधियों में भी बांटते हैं। इस प्रकार लाबोला देने वाले और लाबोला प्राप्त करने वाले अपने संबंधियों से भी जुड़े होते हैं। अतः यह प्रथा अनेक संबंधियों में परस्पर लेन देन, आदान प्रदान तथा परस्पर सहयोग पैदा करती है। इस प्रकार प्रोबियंड द्वीपवासियों में मेलिनोवस्की ने अनेक अवसर देखे जिसमें संबंधी एक दूसरे को उपहार देते हैं। भाई अपने पैदावार का एक बड़ा हिस्सा अपनी बहन को देता है। देने से पहले
उपहार में दी जाने वाली वस्तुओं का निश्चित दिन पर समारोह पूर्वक सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया जाता है। गांव के सभी लोग देखने जाते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि किसने बहन को कितना दिया है। जो दिल खोल कर देता है उसकी प्रशंसा की जाती है और जो कम देता है उसकी आलोचना की जाती है। इस प्रकार बच्चों, भाई पैदावार का एक हिस्सा बहन को देता है, भाई को बहन अपने संतानें देती है जो मामा के उत्तराधिकारी होते हैं और काम में हाथ बटाते हैं। इस प्रकार भाई बहन में पारस्परिक लेन देन होता है। यहाँ पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि आदिम समाजों में वितरण का तरीका उपहार है, जो कि विभिन्न संबंधियों, मित्रों, मुखियाओं, पड़ोसियों, परिवारों आदि को परस्पर आदान प्रदान के संबंध में बांधता है। इसके बाद पोटलेज। पोटलेज बहुत ही खर्चीले भोज को पोटलेज कहा जाता है। बच्चों, यह उपहार देने का भी एक तरीका है। पोटलेज एक व्यसाध्य भोज है जिसका उद्देश्य सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाना होता है। इसको इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि पोटलेज एक सामाजिक तथा व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से सम्मानजनक पद या परिस्थिति को प्राप्त करता है। और जिन समाजों में यह प्रथा प्रचलित है वे यह मानते हैं कि गुप्त रूप से ऊंची स्थिति पाना सम्मानजनक बात नहीं है। यह पोटलेज अमेरिका के उत्तर पश्चिम तट पर बसी जनजातियों में प्रचलित है। बच्चों, व्यक्ति को समाज में उच्चतम स्थान पाने के लिए उस भव्य भोज का आयोजन करना होता है। वह दूसरों को भोज में बुलाता है, खूब खिलाता पिलाता है, उन्हें उपहार देता है। यह सब कुछ दूसरों को बताने के लिए करता है कि वह धनी हो गया है, उसके पास में काफी धन आ गया है, वह धन को खूब खर्च कर सकता है। पोटलेज के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत करके धन एकत्र करना होता है और इस धन को उसे भोज पर ही खर्च करना होता है। तभी समाज के लोग उस व्यक्ति को ऊंचा, धनी और प्रतिष्ठित मानते हैं। पोटलेज अमेरिका की उत्तर पश्चिमी तट की सिमसियान जनजातियों, क्वाक्विटल इंडियनों, ब्रिटिश कोलंबिया की हेडा और लिंगित तथा मेलानेशिया की जनजातियों में प्रचलित है।